कथा पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और ये टाइम डिपेंडेंट है, होती भी है पर ऑसिलेट करती है, ऐसे सेम नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करती है, टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं करती है, पर वो ऑसिलेशन SSM नहीं होता है, पीरियोडिक होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको पता होगा बेसिक कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब कॉस मैक्सिमम होगा, कॉस मैक्सिमम प्लस वन, तो ये प्लस के नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप आ जाओ SSM में, ये मीन पोजिशन होता है, मीन पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, मतलब जो भी एनर्जी है वो के नॉट यही है। अब मीन पोजीशन पे अगर देखोगे, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल के इक्वल होगा, दैट इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो तो के नॉट आ जाएगी, जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। या किसी भी पॉइंट पर देख लो, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होती है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वो मैक्सिमम के नॉट के इक्वल होगा। तो जो टोटल एनर्जी है वो के नॉट है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के नॉट है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के नॉट है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो सी ऑप्शन सही है।